हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 10 नवंबर 2022 और अभी मैं हूँ पिथौरागढ़ में। सुबह के बजे हैं 9 और आज का प्लान कुछ ऐसा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, प्लान वगैरह होता रहेगा। तो पेट पूजा के बाद चलेंगे लंदन फोर्ट। यहाँ पे किला है, किले का नाम है लंदन फोर्ट। और वैसे तो आगे झूला घाट वगैरह भी जाने का प्लान था, लेकिन वो प्लान बिल्कुल ड्रॉप हो गया है। और फिर लंदन फोर्ट से निकल जाएंगे सीधे अस्कोट की तरफ। तो आज ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा प्लान नहीं है, यही एक छोटा सा प्लान है। और हमारे जयंत भाई भी आ गए हैं, ये जयपुर में रहते हैं और कल ही परसों ही पिथौरागढ़ आ गए थे। 2 दिन से जो है पिथौरागढ़ में अलग होटल लेके रह रहे हैं और अब अगले 3-4 दिन तक हम साथ रहेंगे। हमने जी फेसबुक पे ऑफर निकाला था, फेसबुक ग्रुप मतलब घुमक्कड़ी जिंदाबाद में। अगर आप भी लेटेस्ट ऑफर हमारे देखना चाहते हो तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाहर तो खड़का ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ से बता देता हूँ। ऑफर ये था, वैसे तो भाई सीरीज चल रही है तो सारे लोग जानते भी हो कि मैं तो घूम ही रहा हूँ, मुझे तो जाना है, घूमना भी है, काम भी करना है, तो अकेला हूँ। रूम वगैरह देखो, इतना बड़ा रूम है, खाली पड़ा था। आ जाओ जी, कोई रह लो, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं देना। बाइक है, बाइक भी आ जाओ जी, चलो साथ में, कोई पैसा कुछ नहीं देना। तो मतलब कि रुकने का और उसका सिर्फ खाने का पैसा अपना पे करना है, बाकी कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं करना। तो इस तरह से अभी पिछले 4 दिन से हमारा वो क्या नाम था यार उसका, मयंक, अपना मयंक भाई था, अभी जयंत भाई आ गया। ब्रेकफास्ट में है जी आलू का पराठा है और चने हैं, कुकर की सिट्टी है और ये आलू उलू की सब्जी है और जी रायता है। और जयंत भाई जो है ब्रेकफास्ट करके आए हैं, नहीं ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे आ गए हैं पिथौरागढ़ के किले में। यहाँ पे जी किला भी है और सामने हिंदी में लिखा हुआ है किले का इतिहास, तो एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर किले का मारेंगे चक्कर। सबसे पहले तो ये है पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ की लंबाई है जी 10 किलोमीटर, चौड़ाई 8 किलोमीटर, इसके पूर्व में पश्चिम में ये है। इसे जो है सौर घाटी भी कहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी घाटी है ये, ठीक है। और इसके बगल में है किले का इतिहास कि पिथौरागढ़ किले को गोरखा किला है, लंदन फोर्ट भी कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था 1789 में गोरखों ने अपनी सुरक्षा के लिए। बाकी सब है देख लो जी। तो यहाँ से करते हैं एंट्री। किले में एंट्री करने के लिए 20-20 रुपये का टिकट भी लगता है। किला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बट 15-20 मिनट में घूम घाम के हम आ जाएंगे। पिथौरागढ़ शहर के नाम की उत्पत्ति हुई है राजा पिथौरा और उनके महल जिसे गढ़ कहा जाता है, इस कारण उसे कहते हैं पिथौरागढ़। भाई वाह, यहाँ से दिखाई दे रहा है पिथौरागढ़ सिटी का व्यू। इसे बोलते हैं विहंगम दृश्य, बर्ड आई व्यू। बहुत बड़ा सिटी है जी ये, और वैली की तरह है, वैली पहाड़, चारों तरफ पहाड़, पहाड़ के अंदर वैली और बस, और सिटी के बिल्कुल बीच में है किला। ये अभी मैं चल रहा हूँ किले के परकोटे पे, यानी किले के चारों तरफ की दीवार पे, और यहाँ पे ना दुश्मन वुश्मन पे नज़र रखने के लिए ये भी बनाए गए हैं कि मतलब पीछे दीवार के पीछे छुप के बैठ जाओ और ऊपर से नीचे को देखते रहो, किसी पे नज़र रखनी हो तो नज़र रख लो। ये देख लो, किसको देखना है किसी की गाड़ी खड़ी है, गाड़ी देख लो। अब देखो जी, एक मज़े की बात सुनो, हम घूम रहे हैं कुमाऊँ में और देख रहे हैं किले मतलब गढ़, और उत्तराखंड का जो दूसरा हिस्सा ना गढ़वाल, वो गढ़ों के कारण फेमस है, यानी कि किलों के कारण फेमस है। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि उत्तराखंड में कोई किला विला भी है, जबकि उत्तराखंड के 7 जिलों को मिला के जो गढ़वाल रीजन बना है वो गढ़ों के कारण फेमस है और हम गढ़ देख रहे हैं कुमाऊँ के अंदर, है ना अजीब सी बात। इसका रीज़न ये है कि हमारे साथ जो है ना राजस्थान वाले भाई हैं और राजस्थान इज़ द फेमस फॉर किले तो ये इनकी वजह से सीधे आ गए किले में। यहाँ पे बिल्कुल अगर चारों तरफ ना देखे तो बिल्कुल राजस्थान वाली फीलिंग आ रही है। और एक चीज़ और है, 2 दिन में 2 किले देख लिए, कल बाणासुर का किला देखा, आज ये किला देख लिया, और दोनों की बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। मतलब चारों तरफ एक परकोटा है, दीवार है, दीवार के अंदर नीचे झांकने के लिए वो बने हुए हैं, हैं, और बीच में कुछ खंडर। यहाँ पे खंडर नहीं है, उत्तराखंड टूरिज्म ने या जिसने भी मेंटेन कर रखा है बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त मेंटेन कर रखा है। वो बाणासुर वाले किले को तो बाणासुर की तरह, राक्षस की तरह छोड़ रखा है, इसको नहीं छोड़ रखा है। सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में है और सैल पहल भी है, अंदर कुछ एक्टिविटी वगैरह भी हो रही है। तो क्या है कि किला ये 6-6.5 नाली में बना हुआ है, नाली होती है 200 स्क्वायर मीटर की, तो मतलब 1200-1300 स्क्वायर मीटर में एक किला बना हुआ है। कुछ बहुत बड़ा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, एंटर करो ख़त्म, किले के अंदर एंटर करो किला ख़त्म। तो बस हो गया किला ख़त्म, अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं अस्कोट की तरफ। एक ये भी मुझे मिला है, दीवार के अंदर चिना हुआ है, परगना ऑफ शोर एंड जौहर, जौहर या जौहर, यहाँ पे जौहर वैली भी है, वैसे जौहर बोलते हैं राजस्थान में, वो कुछ लड़ाई वड़ाई से रिलेटेड कुछ है ना, मैं डिटेल में नहीं पता, पता मुझे सब है।
लेकिन यह जोहार वैली भी है एक। फ्रॉम दिस विलेज 1005 मैन वेंट टू द ग्रेट वार, यानी के फर्स्ट वर्ल्ड वार में गए थे यहाँ से 1005 आदमी, और उनमें से 32 जो है वीरगति को प्राप्त भी हो गए थे। ओम भगवान, जय श्री राम, जय शिव शंकर। चल पड़े जी अस्कोट की तरफ। अस्कोट की डिस्टेंस है यहाँ से 50-55 किलोमीटर। तो अभी आप पिथौरागढ़ शहर के नज़ारे ले लो और फिर शहर से बाहर निकल जाएंगे, फिर अपना जंगल और पहाड़ और घाटी और व्यू। सड़क तो पतली है पिथौरागढ़ तक, तो देखो टनकपुर से पिथौरागढ़ तक तो बढ़िया 2 लेन की है, चौड़ी सड़क थी। अभी ये पतली सड़क है, हो सकता है कि आगे चौड़ी हो जाए। आगे जी चौड़ी रोड, जैसे सिटी से बाहर निकले एकदम चौड़ी रोड आगे 2 लेन की। और अब ये कम से कम धारचूला तक, यानी कि यहाँ से 70-80 किलोमीटर आगे तक चौड़ी ही रहेगी। और धारचूला तो हमें जाना ही नहीं है वैसे भी। ये देखो सड़क गिल्ली गिल्ली सी है ना, तो यहाँ पे ब्लैक आइस का खतरा है। और अभी तक यहाँ धूप भी नहीं पहुँची है। तो टाइम तो वैसे 10-11 का हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह के जहाँ पे अभी तक भी धूप नहीं पहुँची वहाँ खतरा है ब्लैक आइस का, तो वहाँ पे धीरे धीरे निकालनी है। मौसम बढ़िया हो रहा है, अभी कनाली छीना हमने पार किया है और चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, चाय ब्रेक। तो भाई हमारे जयंत भाई चाय का ऑर्डर देने गए हैं, और यहाँ से नज़ारे वगैरह बढ़िया है, लेकिन बादल हैं, कल के मुकाबले ज़्यादा बादल है आज। ओ भगवान, आहा, इसे बोलते हैं वो चाय, पहाड़ों की चाय। और पहाड़ों की चाय जो है ना सिर्फ पहाड़ों में मिलती है। हंसोगे मेरे डायलॉग सुन के भी, क्या साला फर्जी डायलॉग बोलता रहता है। यहाँ पे चीड़ है, देवदार नहीं दिखाई दे रहा। देखो जी चाय पीते पीते यहाँ उमेश भाई आ गए, उमेश पुजारी भाई। हम अस्कोट जो जा रहे हैं ना, इन्हीं के भरोसे जा रहे हैं। मैं बहुत दिन से आपको पढ़ता था, देखता था अस्कोट। मैंने कहा भाई जब भी इधर कभी जाना हो तो आपके मतलब, तो आज हम अस्कोट रुकेंगे। रुकने की व्यवस्था यही भाई कर इन्होंने कर दी है, तो अभी किसी काम से पिथौरागढ़ जा रहे हैं, हो सकता है शाम तक वापस आ जाए। कुंदन दा ढाबा, चाय बना रखी थी इसने कतई जहरीली, अदरक ऐसा गेर रखा अब तक भी गले में। पर मज़ा आ गया। अब देखो जहाँ जहाँ धूप निकल गई, जहाँ जहाँ धूप पहुँच गई वहाँ वहाँ हो गया सूख। सूख गया मतलब साफ हो गया, ब्लैक आइस का खतरा ख़त्म। लेकिन देखो ये धीरे धीरे गीला सा है ना, तो ये है अभी भी खतरा। तो ऐसे में मैं सावधानी से निकाल रहा हूँ धीरे धीरे। ब्लैक आइस में क्या है कि तेज़ ब्रेक नहीं मार सकते, मतलब मारने नहीं चाहिए, और तेज़ कट नहीं लेना चाहिए। एंड द फाइनली पहुंच गए जी अस्कोट, और यहाँ पे एक ये होटल होम स्टे, पता नहीं इसका नाम भी नहीं पता, पता चलेगा तो बताऊंगा, नहीं पता चलेगा तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूम ले लिया है। पहले आपको रूम वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर ज़रूरी कार्य निपटाऊंगा। तो ये हमारा जयंत भाई ने एक बेड कब्जा लिया और एक बेड मैंने कब्जा लिया है। और यार पता है बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, लाइफ जो है ना हमारी समस्याओं से भरी हुई है, समस्याएं ख़त्म नहीं होती। किसी भी बिस्तर के पास चार्जिंग नहीं है, बताओ यार कितनी मेजर समस्या है। रूम में भी एक ही, और पूरे रूम में एक है, वो भी बिस्तर से बहुत दूर। ये तो अभी भाई ने, होटल वाले ने कहा तो है कि करेगा कुछ जुगाड़, तो जब तक वो जुगाड़ करता है तब तक मैं कपड़े धो लेता हूँ। ये मैंने कपड़े दिल्ली से पहन के चला था, और ये भी बिल्कुल काले हो गए, हरे रंग की पैंट थी ना ये हरे रंग का लोअर था, ये काला हो गया। और ये एकदम वाइट शर्ट थी मेरी, एकदम वाइट, इसकी तरह ये भी देखो काली होने लग रही है। कितनी फेंकता हूँ मैं, और ये सब है तौलिया में तो बदबू आ गई है ना, ये भी सब धोऊंगा मैं अभी। ये यहाँ पे 2 टॉयलेट है, कहाँ से जलेगी, हाँ ये जल गया। इसमें मुझे ढूंढना है सरफ, यहाँ तो है नहीं सरफ, ढूंढना है सरफ। एक ये वाला टॉयलेट है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है कुछ बुरुस है, ये अपने काम का है, और कपड़े धोने की साबुन है, ये भी अपने काम की है, तो मैं इसमें भिगो देता हूँ ला के। अगर सरफ मिल जाए,
अगर सरफ मिल जाए तो मजा आ जाए मजा। सरफ तो नहीं मिला, मैं इन्हें ऐसे भिगो देता हूँ, एक घंटा गर्म पानी में भिगो दूंगा, उसके बाद साबुन निकाल दूंगा। कपड़े उपड़े सब टंगे जी, बनियान में गांठ लगा दी, इसमें गांठ मार दी और इसमें बटन लगा दिया, है ना। तौलिया उठने का डर है और माचो भाई को इधर डाल दिया क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब और अभी जो है ना तूफान भी आ सकता है। और क्या दिखाऊं, चलो ये है जी इनकी छत। छत तो बढ़िया है, छत से व्यू भी बढ़िया आ रहा है। ये है, मौसम हो रहा है सामने ख़राब और वहाँ पे तो बारिश सी भी हो रही है। और ये अच्छी चीज़ है, अगर बारिश बारिश हो जाए तो सारे के सारे वो बादल छट जाएंगे ना, एकदम बढ़िया एकदम हो जाएंगे, व्यू बहुत बढ़िया हो जाएगा। 4:45 बज गए जी, सनसेट होने वाला है इधर, मतलब अपने लिए तो हो ही गया। इस पहाड़ी के पीछे अभी है सूरज और काफ़ी तेज़ हवा हुआ चली थी, जो मैंने बांध रखे थे वो तो रुक गए, वह तौलिया गिर गया, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखो सामने का नज़ारा, नज़ारा देखो जी नज़ारा। उधर हुई थी बारिश, बारिश होने के बाद मौसम हो गया साफ एकदम। और मैं नज़दीक को ले जाऊं, और नज़दीक को ले जाऊं, ये देखो जी नज़ारा। आ हा हा क्या भाई वाह, पहाड़ों पे गिरी हुई ताजी ताजी सुनो बर्फ। ओए कालू क्यों परेशान कर रहा बालकों ने, अभी मार्केट चल रहे हैं, कुछ चटपटा सा खा के आएंगे। व्यू ज़बरदस्त हो गया, बढ़िया लग रहा है देखने में। ये अपनी मार्केट की तरफ रोड जा रही है, मार्केट से हम करीब आधा किलोमीटर दूर है तो पैदल पैदल चल रहे हैं। बानो तेरी और इसकी शक्ल सेम है। क्या भाई डर लगता है तुझे कुत्ते से? कुत्ते से डर लगता है? आजा साथ साथ चल, ये कुछ नहीं कहेगी बेचारी, ये तो वैसे लंगड़ी है, ये कुछ कहेगी थोड़ी, तो कुछ नहीं कहेगी, तो डर मत, भगना मत, भगना मत, साथ साथ चलते। पूरे मार्केट में उधर से उधर चले गए लास्ट तक और इधर आ गए लास्ट तक। एक दुकान पे सिर्फ दो समोसे रखे थे, वो भी ठंडे, कहने लगा भैया गर्म नहीं हो पाएंगे, दुकान बस बढ़ा रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, शाम का टाइम हो गया है और इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। और बाकी किसी दुकान पे एक पकौड़ी तक ना मिल रही, इतनी सी भी, इतनी सी भी। कुछ दुकानों पे चाउमीन वगैरह मिल रही है पर हमारी इच्छा नहीं कर रही चाउमीन लेने की। तो अभी आशीर्वाद भाई के यहाँ एक एक कप चाय मार के चलेंगे। ठंडा